हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एल बी टेक एंड सोशल ब्लॉग। तो दोस्तों, और एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल एल बी टेक एंड सोशल ब्लॉग पर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे कि कैनन आई आर 24-20L में अगर HVT का प्रॉब्लम अगर हो जाता है तो क्या उसमें प्रॉब्लम आता है, दिक्कत क्या होता है, प्रिंटिंग में क्या उसका इफेक्ट आता है। ठीक है दोस्तों, अगर HVT चेंज करना होगा तो कैसे हम खोलेंगे और HVT कैसे चेंज करेंगे। ठीक है दोस्तों, हम दिखाएंगे HVT चेंज। और दोस्तों, पहले दिखाएंगे कि HVT में अगर कुछ गड़बड़ आ जाता है तो HVT बोर्ड अगर बिल्कुल ख़राब हो जाता है तो दोस्तों एकदम ब्लैंक पेज आ जाता है। ठीक है दोस्तों, कोई कुछ प्रिंट नहीं आता, एकदम ब्लैंक आ जाता है। ठीक है दोस्तों, मैं पहले मशीन में जाता हूँ और HVT के जो प्रॉब्लम होता है वो प्रॉब्लम पहले दिखाऊंगा और उसके बाद एक नया HVT में लेके आया हूँ और उस HVT को हम रिप्लेस करेंगे, उसके बाद दिखाएंगे कि उसके बाद क्या इफेक्ट होता है। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और दोस्तों, और एक बार फिर से अगर मेरा चैनल में नया हो तो मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। तो ठीक है दोस्तों, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स। चलो दोस्तों, ये है मेरा प्रिंटर कैनन के IR 24-20L। तो दोस्तों, पहले इसमें हम पावर डालेंगे, उसके बाद देखेंगे। और ठीक है दोस्तों, मैंने पहले से आपको बता दिया कि इसमें HVT का प्रॉब्लम है। ठीक है दोस्तों, और इस प्रॉब्लम को सलूशन में लाने के लिए दोस्तों इस वीडियो को मैंने बनाया। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखते रहो। तो दोस्तों देखो, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक ही चल रहा है, लेकिन अंदर HVT देखो दोस्तों, इसमें ले लिया और एक प्रिंट कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, एक प्रिंट में डालता हूँ और एक स्टार्ट करता हूँ प्रिंट। तो दोस्तों देखो, प्रिंट इधर आ रहा है। तो दोस्तों देखो, एकदम बिल्कुल ये सफ़ेद प्रिंट आ गया, एकदम प्रिंट व्हाइट प्रिंट आ रहा है। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई भी प्रिंट नहीं आ रहा है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखा रहा है, बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने बहुत सारे रिसर्च कर लिया है, ये एकदम HVT के लिए ये हो रहा है। ठीक है दोस्तों, और मैंने एक HVT नया मंगा लिया। और आप लोगों को HVT चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया दोस्तों, उस लिंक पे क्लिक करो और HVT आप लोग मंगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, और मैंने पहले भी इस प्रॉब्लम का डायग्नोसिस कर लिया है दोस्तों। HVT को हम चेंज करेंगे और इस मशीन को खोलेंगे और नया HVT हम उसमें सेट करेंगे, और उसके बाद ये जो ब्लैंक पेज प्रिंट हो रहा है उस प्रॉब्लम का मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो बने रहो मेरे साथ वीडियो में, वीडियो को पूरा देखते रहना। अगर वीडियो को अगर इन तक ना देखे, बिना देखे स्किप कर दिया तो दोस्तों आखिर प्रॉब्लम आप लोग का हो जाएगी इसका फिटिंग और इसके टुक टक सोल्यूशन के लिए। तो दोस्तों चलो, हम मशीन को खोल के HVT रिप्लेस करते हैं। चलो तो दोस्तों देखो, मैंने HVT को निकल रहा हूँ। तो दोस्तों देखो, यह है HVT। तो दोस्तों HVT है, अब लोग पहले अगर नहीं देखा हो तो देखो ये, और मेरा ये वाला जो नया HVT और इस पुराने की जगह इसको हम रिप्लेस करेंगे। तो दोस्तों देखो, पुराने और नया में तो सेम ही है एकदम, मुझे जितना लग रहा है। और आप लोग भी देख लेना, इस बेल्ट को खोल के मैंने नया में हम इसको लगाएंगे। तो दोस्तों, इस बेल्ट को आप बहुत ही केयरफुली उस पर सेट करना। ठीक है दोस्तों, इसमें बहुत सारे पिन होता है, अगर बराबर अगर इसमें सेटिंग्स ना आए तो भी दिक्कत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर बहुत ही केयरफुली इसको रिप्लेस करना चाहिए, क्योंकि
बहुत ही सेंसिटिव बेल है ये। तो दोस्तों देखो मैंने लगा लिया। और दोस्तों बीचों बीच में और भी एक बात बोल देता हूँ कि अगर किसी को ये HBT चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रखा हूँ, तो दोस्तों एक बार लिंक चेक करके उसे ऑर्डर कर देना। ठीक है दोस्तों, यह बेल्ट लग गया और मैं अब उसे रिप्लेस कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करके पूरा देखो, क्योंकि तब भी आप लोगों को ये काम करने में आसानी होगा। चलो दोस्तों, मैं उसको लगा रहा हूँ। और अब लोग मेरे अगर चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि प्रिंटर रिलेटेड सब वीडियो अब लोग को मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, एक बार कनेक्शन क्रॉस चेक कर लो, धीरे धीरे सब बराबर लगाना, क्योंकि अगर उल्टा सीधा आपने कनेक्शन कर दिया तो प्रॉब्लम हो सकता है, हो सकता नहीं प्रॉब्लम हो भी जाएगा। तो दोस्तों पहले पूरा चेक करो, और ये आउटसाइड में जो बेल था वो उधर HBT में, और एक साइड इधर कनेक्शन कर लो। बहुत ही अच्छे तरह से इसे लगाना टाइट करके। तो दोस्तों लगभग हो गया, और अभी मैं उसे प्रिंटर को स्टार्ट करके दिखाऊंगा कि काम हुआ कि नहीं। ठीक है दोस्तों, मैं अभी पावर सप्लाई को ऑन करता हूँ और देखता हूँ रिजल्ट कितना। मैं उम्मीद करता हूँ कि रिजल्ट ज़रूर आ जाएगा। तो दोस्तों मैं ही शूट कर रहा हूँ और मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है दोस्तों, मैंने पावर सप्लाई को ऑन कर दिया और देखता हूँ रिजल्ट कैसे आया क्या आता है। तो दोस्तों बहुत सारे एक्सपर्ट ने मुझे बताया ये HBT की प्रॉब्लम है। ठीक है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़रूर ये प्रिंट सही निकलेगा। ठीक है दोस्तों, मैं इसको प्रिंट करूँगा। ठीक है दोस्तों, मैंने स्कैनर पे इस डॉक्यूमेंट को डाल दिया और स्टार्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, मुझे लग रहा है कि मेरा प्रिंटर सही हो गया। चलो दोस्तों, मेरा प्रिंट निकल गया और एकदम बहुत ही बढ़िया से प्रिंट हो गया। तो दोस्तों देखो, एकदम फर्स्ट क्लास प्रिंट हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर अब लोगों का यही प्रॉब्लम चल रहा है, अगर कोई HBT का प्रॉब्लम चल रहा है तो इसी तरह से उसे रिप्लेस करना। ठीक है दोस्तों, और देखो दोस्तों पहले किस तरह से प्रिंट आता है, अब अभी किस तरह के प्रिंट आ रहा है। तो चलो दोस्तों, वीडियो में इतना ही, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को और एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।